ये मूवी एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां कभी सूरज नहीं उगता। रोज 12 बजे दुनिया में कुछ अजीब घटता है, 5 मिनट के लिए हर इंसान मर जाता है और वापस जागने पर उसे इसके बारे में कुछ याद नहीं रहता। फिल्म की शुरुआत में इस फिल्म का हीरो जॉन मर्डो के एक बाथरूम में आंखें खोलता है। वो काफ़ी डरा हुआ लगता है, उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो यहाँ कैसे आया। उसे अपना नाम और अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं आता। कपड़े पहनकर वो आसपास देखता है तो उसे वहाँ एक सूटकेस मिलता है जिसके ऊपर KH लिखा हुआ होता है। जब वो उसे खोलता है तो उसे एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जिसके ऊपर शेल बीच लिखा होता है। मर्डो को वो जगह याद नहीं आती पर उसे थोड़े थोड़े ग्लिप्स दिखने लगते हैं। तभी वहाँ पड़ा फ़ोन बजने लगता है। वो हिचकते हुए फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से डॉक्टर स्क्रिबर बोलता है। वो मर्डो को बताता है कि एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी है और अब कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर कुछ बताता वो फ़ोन रख देता है। मर्डोक इधर उधर देखने लगता है, ये किसी होटल रूम जैसा था। जब वो वहाँ से निकलने लगता है तो उसे एक औरत की लाश दिखाई देती है। ये देख वो काफ़ी डर जाता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसे 3 अजीबोगरीब आदमी दिखाई देते हैं जो उसकी ओर आ रहे थे। जब वो लॉबी में आता है तो देखता है कि सभी सो रहे थे। वो सब ऐसे लग रहे थे कि मानो उनमें कोई जान ना बची हो। घड़ी में 12 बजती है और सभी लोग एक साथ जाग उठते हैं और ऐसा लगता है ज़िंदगी वापस शुरू हो गई है। मर्डोक होटल से चला जाता है। तभी वहाँ वो अजीब लोग आते हैं और मैनेजर से मर्डोक के बारे में पूछते हैं। जब वो कुछ नहीं बताता तो वो लोग उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी जगह एक ईमा नाम की स्टेज परफॉर्मर से डॉक्टर स्क्रिबर कॉन्टेक्ट करता है और उसे हाथों हाथ मिलने के लिए कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईमा और कोई नहीं बल्कि मर्डोक की वाइफ है। मिलने पर डॉक्टर बताता है कि मर्डोक की याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है और कुछ बुरे लोग उसकी तलाश में हैं। वो कहता है कि अगर मर्डोक तुमसे मिले तो जल्दी से जल्दी मुझे बताना। ईमा हाँ कर देती है। अगले सीन में इंस्पेक्टर बूमस्टेड लोकल पुलिस के साथ क्राइम सीन की जगह पहुँचता है और होटल में इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। 1 महीने के अंदर 6 मर्डर किए जा चुके थे और ये सब मर्डर एक ही तरीके से किए गए थे। मर्डोक वहाँ ठहरा हुआ था इसलिए पहला शक उसी के ऊपर किया जाता है। इंस्पेक्टर ईमा को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसके पति के बारे में पूछता है क्योंकि वो एक वॉन्टेड क्रिमिनल है। मर्डोक सिटी में इधर उधर घूमता है और काफ़ी डरा हुआ होता है। वो एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे अपने फिंगरप्रिंट दिखाई देने लगते हैं। उसके सामने शेल बीच का एक एडवर्टाइजिंग बोर्ड होता है जैसा कि उस होटल में मिले ग्रीटिंग कार्ड पर बना होता है। वो एडवर्टाइजिंग बोर्ड के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहाँ वो 3 लंबे आदमी आ जाते हैं जो खुद को दी स्ट्रेंजर कहते हैं। उनमें से एक मर्डोक पर अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। तभी मर्डोक को अंदर पावर फील होती है और वो उसका इस्तेमाल करता है और तीनों को ढेर कर देता है। आगे हमें स्ट्रेंजर्स की दुनिया दिखाई जाती है जो कि किसी अंडरग्राउंड कंपाउंड जैसा है। सब अचंभे में होते हैं कि मर्डोक में उनके जैसी पावर कहाँ से आई। यहाँ हमें पता चलता है कि मर्डोक किसी इम्प्रिंटिंग नाम के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल आता है जिसके कारण स्ट्रेंजर भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। ईमा पुलिस स्टेशन से घर आती है तो देखती है कि मर्डोक उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे ईमा के बारे में कुछ याद नहीं होता, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि वो यहाँ रहता है। वो अपने लाइसेंस पर एड्रेस देखकर यहाँ आया था। ईमा उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम पिछले 3 हफ्तों से कहाँ थे। वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैंने अपने पर्स में तुम्हारी फ़ोटो देखी थी। ईमा बताती है कि तुम 6 मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट हो। ये सुनकर मर्डोक शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आधी रात से ठीक पहले स्ट्रेंज मैन एक मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर स्क्रिबर उन सब में एकमात्र इंसान होता है। वो उनके साइंस डिपार्टमेंट का हेड होता है। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो उनका लीडर मिस्टर बुक भीड़ से निकलता है और सब कुछ रोकने के आदेश देता है। उसके कहते ही सारे स्ट्रेंजर्स एक मेडिटेशन स्टेज में पहुंच जाते हैं। ऊपर सिटी में लोग जहां भी है वहीं सोने लगते हैं। ट्रेन रुक जाती है, ट्रैफिक अपनी जगह ठहर जाता है। केवल एक मर्डोक ही होता है जिसके ऊपर इसका कुछ असर नहीं पड़ रहा था। वो ये सब देख कर दंग रह जाता है। वो लोगों को उठाने की कोशिश करता है पर कोई नहीं उठता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ज़मीन से निकलने लगती है, ऐसा लगता है मानो पूरा शहर बदल रहा हो। स्ट्रेंजर डॉक्टर स्क्रिबर के साथ शहर में आते हैं और एक प्रोसेस शुरू करते हैं जिसका नाम है ट्यूनिंग। इस प्रोसेस में वो लोगों के पास जाते हैं और उनके एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि याददाश्त को मिटाया जा सके। 5 मिनट बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सिटी वापस जिंदा हो उठती है और सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है।
लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं रहता। उनकी आइडेंटिटी अब बदल चुकी थी। जैसे 5 मिनट पहले कोई डॉक्टर था तो अब वो सीरियल किलर बन चुका है। ट्यूनिंग से स्ट्रेंजर अपना ध्यान वापस मर्डोक की तरफ लाते हैं। उसे पकड़ना मुश्किल लग रहा था। डॉक्टर स्क्रीबर एक ऐसा इंजेक्शन बनाता है जिसमें मर्डोक की सारी यादें समाई होती हैं। अब उसे ये इंजेक्शन किसी को लगाना था जिसके बाद वो आसानी से उसका पता लगा सकता है। क्राउड से मिस्टर हैंड नाम का एक स्ट्रेंजर निकल के आता है और कहता है कि मैं लगवाऊंगा इंजेक्शन। और फाइनली मिस्टर हैंड को वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जब वो उठता है तो उसके दिमाग में मर्डोक की सारी मेमोरी आ जाती है। अगले सीन में मर्डोक शेल बीच की तलाश में सबवे पहुंच जाता है। वो लोगों से उस जगह के रास्ते के बारे में पूछता है पर सब लोग इसके बारे में भूल चुके थे। काफ़ी कंफ्यूजन के साथ वो ग्रीटिंग कार्ड को देखने लगता है। तभी उसे उसके ऊपर एक नाम दिखाई देता है, कार्ल हैरिस। ये सेम नाम उसने होटल में शूटकेस के ऊपर भी देखा था। मर्डोक कार्ल के एड्रेस का पता लगाता है और वहाँ पहुँच जाता है। वो बूढ़ा आदमी पास्ट के बारे में बताता है जब वो बच्चा था, पर उसे कुछ याद नहीं आता। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ सिर्फ हमेशा रात ही रहती है। इस पर कार्ल उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। मर्डोक जब दूसरे कमरे में चला जाता है तो कौर लिमा को कॉल करता है और मर्डोक के आने के बारे में बताता है। वो बूमस्टेड को ये सब बताती है और उसकी लोकेशन की ओर दोनों निकल पड़ते हैं। तभी मिस्टर हैंड, जो मर्डोक की मेमोरी से इमा का पीछा करता है, ये सारी बातचीत सुन लेता है। जब मर्डोक को ये पता चलता है कि कार्ल ने उसकी लोकेशन बता दी है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर काफ़ी देर हो चुकी थी। स्ट्रेंजर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और मर्डोक पर अटैक करने लगते हैं। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मर्डोक जैसे तैसे वहाँ से बच निकलता है और रोड तक पहुँच जाता है। वापस स्ट्रेंजर उसके सामने आते हैं। तभी इमा और इंस्पेक्टर वहाँ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। सीन चेंज होता है। पुलिस स्टेशन में बूमस्टेड मर्डोक से सवाल जवाब करता है। उसका मानना है कि इन मर्डर्स के पीछे मर्डोक का हाथ है। मर्डोक उससे पूछता है कि क्या उसे सेल बीच का रास्ता पता है। बूमस्टेड उस जगह को तो अच्छे से जानता है पर उसे उसके रास्ते याद नहीं आते। तब मर्डोक पूछता है कि हमें सिर्फ रात ही क्यों दिखती है, उन्हें दिन के बारे में कुछ याद नहीं। वो बताता है कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी कुछ स्ट्रेंजर्स पुलिस स्टेशन में घुसते हैं और मर्डोक को ढूंढने लगते हैं। वो सभी ऑफिसर्स को सुलाकर जेल की ओर बढ़ते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो मर्डोक वहाँ से निकल चुका था। तभी मर्डोक डॉक्टर स्क्रिबर के पास पहुँचता है और अपने सवालों का जवाब मांगता है। वो जानना चाहता है कि शहर में आखिर चल क्या रहा है और वो स्ट्रेंजर्स उसके पीछे क्यों पड़े हैं। डॉक्टर उसे शांत करता है और बताता है कि हम सब स्ट्रेंजर्स द्वारा किए जाने वाले एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तभी बूमस्टेड वहाँ पहुँच जाता है और बताता है कि उसने खुद मर्डोक को कस्टडी से रिहा किया है और उसे भी इन सवालों का जवाब चाहिए। वो दोनों उसे शेल बीच लेकर चलने के लिए फोर्स करते हैं और कार लेकर निकल पड़ते हैं। डॉक्टर बार बार कहता है कि वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं। वो एक डेड एंड पर पहुँच जाते हैं जहाँ से एक ब्रिज गायब हो चुका था। वो वहाँ से बोट लेकर आगे बढ़ते हैं। फाइनली डॉक्टर बताता है कि आखिर चल क्या रहा है। वो बताता है कि स्ट्रेंजर्स किसी एलियन की तरह है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट से है। वो धरती पर इसलिए आए क्योंकि उनकी प्रजाति विलुप्त होने लगी है। जब उन्होंने देखा कि इंसान काफ़ी सफल हो रहे हैं तो उन्होंने इंसानों को इम्यूलेट करने का फैसला किया है। उनके पास कोई आत्मा नहीं है जो स्ट्रेंजर्स को मानव प्रजाति से अलग बनाती है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी सिटी बनानी शुरू की जहां वो दुनिया की अलग अलग जगहों से इंसानों को लाने लगे। हर रात 12 बजे वो सबको रोक देते हैं और उनमें एक नई मेमोरी डाल देते हैं। वो इंसानों के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे ताकि उनके जैसा बना जा सके। डॉक्टर स्क्रिबर इस सिटी का बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए वो उसकी याददाश्त नहीं मिटाते। मर्डोक पूछता है कि यहाँ हमेशा रात क्यों होती है। डॉक्टर बताता है कि स्ट्रेंजर्स रोशनी से डरते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसी सिटी तैयार की है जो हमेशा डार्क रहे। थोड़ी देर बाद वो शेल बीच वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो सिर्फ एक दीवार पर लगा हुआ पोस्टर है। मर्डोक और बूमस्टेड उस दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर उन्हें रुकने के लिए कहता है पर वो नहीं रुकते। आखिर में वो दीवार तोड़ देते हैं। बाहर देखते हैं तो वहाँ एंडलेस स्पेस होता है। इससे उन्हें पता चलता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और यहाँ से निकला नहीं जा सकता। मिस्टर हैंड अपने आदमियों के साथ इमा को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और मर्डोक को सरेंडर करने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर उन पर हमला करता है तो वो उसे बाहर स्पेस में फेंक देते हैं। मरने से पहले वो देखता है कि पूरी सिटी हवा में तैर रही है जो कि पूरी अंधेरे से घिरी हुई है। यहाँ हमें पता चलता है कि सिटी किसी एक बड़े स्पेसशिप की तरह है।
दूसरी तरफ मिस्टर हैंडीमा को हथियार बनाकर मर्डोक को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्डोक को एक जगह बांध दिया जाता है। सभी स्ट्रेंजर्स चिल्ला रहे हैं कि इसको मार दिया जाए। वहीं उनका लीडर मिस्टर बुक कहता है कि इसके दिमाग में और भी आइडियाज़ मिल सकते हैं, इसलिए वो स्क्रिबर से उसकी सोल को स्ट्रेंजर्स में ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है। वो एक बार के लिए तो मना करता है, पर फिर वो उसे एक अलग इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसकी पूरी मेमोरी रिकॉल होने लगती है। उसकी सारी यादें वापस आ जाती है जिससे उसके पावर पर उसका नियंत्रण होने लगा और वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। एक मेमोरी में उसे स्क्रिबर दिखता है जो कि उससे कहता है कि इन स्ट्रेंजर्स को हराओ और इस सिटी पर कंट्रोल करो। इससे वापस उसमें जान आती है और वो खुद को छुड़ा लेता है। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो स्ट्रेंजर्स को इधर उधर फेंकने लगता है। तभी मिस्टर बुक और उसका आमना सामना होता है। वो दोनों एक दूसरे पर हमले करने लगते हैं, पर दोनों में पावर एक जैसी होती है। उनकी लड़ाई पूरे कंपाउंड को तबाह कर देती है, इसलिए वो हवा में लड़ने लगते हैं और लास्ट में मिस्टर बुक के ही चाकू से मर्डोक उसे मार देता है। उसके बाद मर्डोक डॉक्टर के पास जाता है और रीमा के बारे में पूछता है। स्क्रिबर बताता है कि लास्ट ट्यूनिंग में वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, पर मर्डोक के पास सब कुछ बदलने के लिए एक आइडिया होता है। अपने पावर्स का इस्तेमाल करके वो सिटी को उसी रूप में ले आता है, चारों तरफ एक समुद्र बनाता है, ब्रिज सही करता है और एक शेल बीच भी तैयार कर लेता है। और तो और वो स्पेसशिप को घुमाकर सूरज भी वापस ले आता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूवीक्स हिंदी को। धन्यवाद।